आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी कोर्स के बारे में, बीएससी कोर्स डिटेल्स इन हिंदी। इस वीडियो में हम जानेंगे बीएससी क्या है, बीएससी कौन कर सकता है, बीएससी की फीस कितनी होती है और बीएससी करने के बाद आपको कैसी जॉब मिलेगी। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बीएससी करनी चाहिए कि बीएससी खत्म होने के बाद ही आपको तुरंत जॉब मिल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप सभी देख रहे हैं आयुष अरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बीएससी क्या है, व्हाट इज बीएससी। दोस्तों बीएससी का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस। ये एक यूजी कोर्स है यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे 12th के बाद किया जा सकता है। ये 3 साल का कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपका स्नातक यानी कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। बीएससी कोर्स की डिमांड हमेशा से ही रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे होते हैं जो 12th के बाद मेडिकल करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि 12th के बाद बीएससी कोर्स करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि बीएससी कोर्स करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको बीएससी कोर्स करना है तो ये ज़रूरी है कि आप 12th पास होने चाहिए और 11th और 12th में आपका कम से कम 50% या फिर 45% होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका बीएससी कोर्स में एडमिशन होता है। लेकिन कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी होती है जहाँ पे आपका मेरिट बेसिस पे होता है और बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। अगर आपके मार्क्स थोड़े कम भी है तब भी आपका एडमिशन वहाँ पे हो जाता है। बीएससी कोर्स करने के लिए एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि आपका क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। चाहे आप बायो ग्रुप से हो, चाहे आपने मैथ्स ग्रुप से पढ़ाई की है, तब आप आगे जाके बीएससी कर सकते हैं 12th पास करने के बाद। अगर आपने क्लास 11th 12th में आर्ट्स स्ट्रीम ली थी, कॉमर्स स्ट्रीम ली थी, तब आप आगे जाके बीएससी नहीं कर सकते। बीएससी में कई तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। बायो ग्रुप वाले आगे जाके बायो ले सकते हैं बीएससी में, मैथ ग्रुप वाले मैथ ले सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट करके बताना कि मैं वीडियो बना दूँ। अब हम जान लेते हैं कि बीएससी कोर्स की फ़ीस कितनी होती है। तो दोस्तों ये जो फीस है ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कॉलेज के ऊपर, आप जहाँ से पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है और वहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वहाँ पे फ़ीस आपकी ना के बराबर है। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे फ़ीस आपकी महंगी है यानी कि ज़्यादा है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जाओगे तो आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जहाँ पे 1 साल की फ़ीस होगी वो समझ जाओ कि 20 से 25 से 30 हज़ार रुपये हो सकती है। अगर वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज की मैं फ़ीस की बात करूँ तो यहाँ पे 1 साल की फ़ीस जो होती है 8 से 10 हज़ार रुपये होती है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है एरिया के अकॉर्डिंग। दोस्तों बीएससी कोर्स की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा इसलिए भी होती है क्योंकि बीएससी में आपको प्रैक्टिकल वगैरह कराए जाते हैं, आपको लैब वगैरह में ले जाया जाता है, इसीलिए इसकी फ़ीस बीए के कंपेरिजन में और बीकॉम के कंपेरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम जान लेते हैं कि बीएससी कोर्स करने के बाद आपको कैसी जॉब मिलेगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से बीएससी करनी चाहिए कि बीएससी कंप्लीट होने के बाद तुरंत आपको जॉब मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपने 3 साल की बीएससी कंप्लीट कर लिया, आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है, तो आपके पास बहुत सारी करियर ऑप्शन है। उसके बाद आप चाहो तो आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी करके आप कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हो, आप स्कूल के टीचर बन सकते हो। उसके बाद आप चाहो तो पुलिस में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी में जा सकते हो। मेरे कहने का मतलब है कि आपने अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई की है बीएससी के तो आपके पास करियर ऑप्शन की कमी नहीं होगी। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको किस तरीके से बीएससी करनी चाहिए कि आपको उसका फ़ायदा ज़्यादा मिले। तो देखो बीएससी 2 तरीके का होता है, एक बीएससी जनरल होता है, एक बीएससी ऑनर्स होता है। तो बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स ये दोनों 3 साल का होता है, लेकिन बीएससी ऑनर्स का फ़ायदा आपको ये होता है इसमें आपको एक ही सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ना होता है और बीएससी जनरल में आपको 3 सब्जेक्ट 3 साल तक पढ़ना होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होता है, सेकेंड ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, थर्ड ईयर में 1 सब्जेक्ट होता है। ये होता है बीएससी जनरल में। लेकिन अगर आपको करना है बीएससी तो अगर आप बीएससी ऑनर्स करोगे तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। बीएससी ऑनर्स करोगे तो आप 3 साल तक एक ही पढ़ाई करोगे तो आपको उस बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी और उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जब बीएससी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप कहीं जॉब कर सकते हो, आपको जॉब ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों ये इसका फ़ायदा है। हालांकि मैं बीएससी जनरल और बीएससी ऑनर्स के ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में आपको और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, कुछ पूछना है तो वो भी पूछिए और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर बहुत सारी वीडियोज हैं और आने वाले बीएससी के सब्जेक्ट के बारे में जो वीडियो बनाऊंगा वो भी आपको लिंक इस वीडियो में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा।
और इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।